एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शिव विद कृति 2। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स का एक सब टॉपिक जो कि है जैनिज्म। तो मैंने बुद्धिज्म पे वीडियो बनाया ही है, हो सकता है जैनिज्म वाला पार्ट पहले अपलोड कर दूँ या फिर बुद्धिज्म वाला करूँ। तो अगर ये जैनिज्म वाला दूसरा पार्ट है तो बुद्धिज्म का आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर जाइए और उस पार्ट को चेक कीजिए एंड वीडियो वॉच कीजिए। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप क्लास 12th हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस भी है, देन व्हाई डोंट यू ट्राई माय क्रैश कोर्स ऑफ क्लास 12th, जिसमें मैं लाइव लेक्चर दे रही हूँ। प्रॉपर आपको हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन, हर चैप्टर के लिए स्टडी मटेरियल दिया जाएगा एंड देयर विल बी लॉट ऑफ एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एज पर द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ सीबीएसई बोर्ड। देयर विल बी डाउट सेशन ऑन सैटरडे एंड संडे एंड इसके साथ साथ आपको जो है वो टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। सो दिस इज अ पेड कोर्स, इफ यू वॉन्ट टू जॉइन इट जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर 6090665726। इट्स नॉट एक्चुअली कॉलिंग नंबर, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट ड्रॉप कर दो, बाकी आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर जैनिज्म, ठीक है, मतलब सब टॉपिक है ये। जैनिज्म की शुरुआत कैसे होती है? जैनिज्म की शुरुआत 6th century BCE के दौरान होती है एंड व्हेन वी से जैनिज्म, हम लॉर्ड महावीर की बात करते हैं बिकॉज ही इज द मेन फाउंडर, ठीक है, नॉट द फाउंडर बट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोमिनेंस ऑफ अ जैनिज्म। अगर जैनिज्म को लोग आज जानते हो, इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, तो लॉर्ड महावीर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। टोटल 24 तीर्थंकर मिल जाएंगे। एक्चुअली मैंने जो है इस सारे नोट में एक मिस्टेक की है, वो है तीर्थंकर लिखा है मैंने, ठीक है, तो ये एच नहीं है, ये है तीर्थंकर, मैंने यहाँ पे लिखा है तीर्थंकर, ठीक है, तो वो आप एच अवॉइड कीजिएगा। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए हैं तो आप मेरी वेबसाइट एक बार विजिट कर लीजिएगा studyshivvidkriti.com। अगर नहीं मिलते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आई जस्ट प्रोवाइड यू द नोट्स। तो टोटल 24 तीर्थंकर से मतलब है ये एक्चुअली थे गुरु, मतलब 24 टोटल गुरु होते हैं जैनिज्म में, हु अटेंड ऑल नॉलेज, मतलब इन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया था जीते जी, एंड किसी भी व्यक्ति के लिए, आम इंसान के लिए मोक्ष की प्राप्ति जीते जी तो संभव नहीं है, हम मर जाते हैं तब जाके हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन इन्होंने जीते जी प्राप्त किया था एंड डिसाइडेड टू गिव दिस नॉलेज टू अदर्स, ठीक है। फर्स्ट जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभनाथ एंड ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ अ जैनिज्म। नाउ जैन का मतलब क्या होता है? इसका संस्कृत वर्ड देखें, जैन और जिन हम बोल सकते हैं, मतलब है कॉनकरर, ठीक है, जीतने वाला। रीजन ऑफ ओरिजिन, ठीक है, तो क्या रीजंस थे ओरिजिन के इसके? कारण सबसे पहली बात तो यार बुद्धिज्म का भी जैनिज्म का यही रहा है, देयर वाज अ डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिचुअल थे, मतलब ऐसे रिचुअल कि जो आम इंसान के लिए फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहे थे। वर्ण सिस्टम वॉज देयर, जैन धर्म में वर्ण सिस्टम को एक्चुअली डिक्लाइन, मतलब रिजेक्ट नहीं किया गया है, बट वो कहते हैं कि वर्ण सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ नहीं हो सकता, इट कुड बी बेसिस ऑन कर्म। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, देन आई विल बी ब्राह्मण, क्योंकि ये मैं जो कर्म कर रही हूँ ना, ब्राह्मण का काम क्या होता है? लोगों को वेद की शिक्षा देना, और आप कह सकते हैं पढ़ाना भी इसमें आ सकता है, वेद की शिक्षा नहीं तो पढ़ाना भी आ सकता है, ठीक है। अगर आप जो है वो डिफेंस में आपकी फैमिली से कोई, तो वो क्षत्रिय हो गया, तो एक ही फैमिली में फिर ऐसे अलग अलग लोग हो सकते हैं, अलग अलग वर्ण सिस्टम से भी बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग वर्ण से बिलोंग कर सकते हैं। There were actually 5 doctrines of Jainism. Let's see what were those. तो 5 doctrines of Jainism, और आप ये भी कह सकते हैं this is the core philosophy of Jainism. They talk about Ahimsa. Ahimsa का जो concept है हमारे फिर Indian National Movement में भी Jainism से लिया गया था, means non-injury to living being. सत्य, do not speak a lie. असत्य, do not steal, मतलब असत्य। अपरिग्रह, मतलब डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। ब्रह्मचार्य, मतलब ऑब्जर्व सेलिब्रेसी, शादी ये नहीं करते हैं जो भी जैनिज्म को अपनाते हैं। ना वर्धमान महावीर, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो महावीर को जाता है, ठीक है, लॉर्ड महावीर को जाता है, तो इनकी थोड़ी हम बैक में जाते हैं और चाइल्डहुड का थोड़ा पता करते हैं। वर्धमान, ही वॉज 24th तीर्थंकर, ठीक है, ऑफ अ जैनिज्म, ऑल्सो द लास्ट गुरु ऑफ अ जैनिज्म। ही बॉर्न इन 540 BC और इनका जन्म हुआ था वैशाली में।
एट द एज ऑफ 30, जब लोगों को रोजगार भी नहीं मिलता है आज के टाइम पे, इन्होंने घर बार छोड़ दिया था. ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम एक्चुअली रॉयल फैमिली एंड ही प्रैक्टिसाइज ऑस्टेरिटी फॉर 12 ईयर्स. 12 साल तक इन्होंने ऑस्टेरिटी प्रैक्टिसाइज की. एंड इनको जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए एक टर्म है स्पेसिफिक, दैट इज कैवल्य, ठीक है. ये इनको एट द एज ऑफ 42 में मिलता है. ही एक्चुअली तीर्थांकर जो कॉन्सेप्ट है ना गुरुओं का जैनिज्म में, तो हर एक तीर्थांकर के साथ एक सिंबल एसोसिएट किया जाता है. जो सिंबल यहाँ पे वर्धमान यानी कि महावीर के साथ एसोसिएट किया जाता है, दैट इज लॉइन. ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72 इन 468 BCE. अगर आप लोग ना डेट्स में कंफ्यूज हो जाते हो तो मैं आपको एक इजी ट्रिक देती हूँ. वो ये है कि आप कंपेयर कर लो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को. जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म कब हुआ था, क्या डेट थी, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी. जैसे कि इनकी जो डेथ है वो 72 में होती है. अगर आपको याद हो हमने जो बुद्धिज्म वाला कॉन्सेप्ट किया था तो उसमें हमें याद है महापरिनिब्बन लॉर्ड बुद्धा को एट द एज ऑफ 80 में मिलता है. What were the reason of Jainism कि ये इतना फैलता है? सबसे पहला कारण, they admitted both men and women. सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या थी वैदिक ट्रेडिशन की उस वक्त? उसमें बहुत सारी कुप्रथाएं थी, मतलब इक्वालिटी नहीं थी. कुछ लोगों को जो है वो सारी के सारी राइट्स आप कह सकते हो कि कुछ समाज का हिस्सा इंजॉय कर रहा था, बाकी आम लोगों के लिए जगह नहीं थी. सो दिस वॉज द रीज़न. स्प्रेड वे ब्राह्मिकल ऑर्डर वॉज वीक, तो साउथ इंडिया हो गया हमारा और साउथ एशिया हो गया, यहाँ पर यह फैलता है क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मिकल ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा वीक था. जहाँ पर ब्राह्मिकल ऑर्डर स्ट्रांग था यानी कि नॉर्थ इंडिया, वहाँ तो बाकी रिलीजन को कभी इतनी जगह मिली ही नहीं है. चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम जैन एस्टेटिक, मतलब अपनी लाइफ के जब वो कुछ अंतिम साल जी रहे थे ना, तब उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था एंड फिर उन्होंने इसका जो है प्रमोशन भी किया कर्नाटका में. सो दिस इज द रीज़न. बस आपका यही चैप्टर है जैनिज्म, मतलब सब टॉपिक है. आपका जितना भी क्लास 12th में मेंशन है ना, तो वो ज़्यादा डिटेल में नहीं है. सो डू नॉट वरी, जितना मैंने आपको इसमें बताया उतना ही है. आई विल बी ब्रिंगिंग वन डिटेल डिस्क्रिप्शन और डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो फॉर द टॉपिक जैनिज्म, बुद्धिज्म और जितने भी हमारे GS जनरल स्टडी में आते हैं, हम सब कुछ कवर करेंगे. बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रॉपर सीरीज फॉर मिडिवल एंशियंट एंड मॉडर्न इंडिया, मतलब एंशियंट पहले रख लो, तो वो हम स्टार्ट करेंगे एंड विल टॉक अबाउट इट. एट द एंड आई विल जस्ट से दैट कि अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर फॉर द क्रैश कोर्स जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था. कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे पूछ सकते हो. अंटिल देन यार पढ़ते रहो, कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट लगता है. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू हेल्प इन योर स्टडीज फॉर हिस्ट्री एंड पोलिटिकल साइंस. सो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब स्टडी शेयर पेट करती टू फॉर मोस्ट सच काइंड ऑफ वीडियो कॉन्टेंट, क्योंकि हम लाते हैं हर रोज एकदम यूनिक वीडियोज़.